हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने अभी तक डेफिनेशंस देखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, उसके बारे में बात की है। और सेल का अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हमने बात की है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो क्या है, फॉर्मेलिटीज। दैट इज फॉर्मेलिटीज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाए। व्हाट राइट अ नोट ऑन फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो देखो, आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें दो लोग साइन कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के एक पेपर को साइन कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बरोबर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्म के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का क्या परफॉर्मा हो सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में। तो देखो, एज सच लॉ में, एज सच लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई पर्टिकुलर परफॉर्मा, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। पार्टीज आर फ्री, तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर सकते हैं। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइटिंग में ही होना चाहिए, वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, बरोबर। कोई फॉर्मेट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1), अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाई एन ऑफर टू बाई और सेल गुड्स फॉर अ प्राइज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। कैसे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक पर्सन बेचने या खरीदने का ऑफर देगा, दूसरा पर्सन खरीदने या बेचने के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइज और बोथ। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलो भाई गुड्स मुझे इमीडिएटली डिलीवर करो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, नहीं भाई पैसा इमीडिएटली दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो दोनों इमीडिएट होना चाहिए। और फॉर डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में दो, पेमेंट इंस्टॉलमेंट दो में दो, और दैट डिलीवरी और पेमेंट आर बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर कर सकते हो। फर्दर एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स बा ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी, बरोबर। तो आप ओरली कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बातचीत करके, राइटिंग में कर सकते हो, पार्टली रिटर्न पार्टली ओरल भी चलेगा, इम्प्लाइड या कंडक्ट ऑफ पार्टी भी चलेगा। अब देखो, इम्प्लाइड या कंडक्ट ऑफ पार्टी मतलब पार्टी की किसी हरकत की वजह से कई बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही मानते हैं, पार्टी की किसी कंडक्ट के वजह से, बरोबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, किसी सुपरमार्केट में गए, ट्रॉली लेके गए, जो जो सामान पसंद था आप ट्रॉली में डालते गए, बरोबर, और कैश काउंटर पे पहुंच गए। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जरा याद करके जवाब देना, कि जब आप सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, सुपरमार्केट में सामान पड़ा होता है, ये रेट ये रेट ये रेट, तो सुपरमार्केट में जो सामान पड़ा है बिकने के लिए, वो क्या है, ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर, टू ऑफर इनविटेशन टू ऑफर है। और जब आप सामान ट्रॉली में डालते हो, कैश काउंटर पे जाते हो, तो ये क्या है, ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर। कल्याणी, आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस रिपीट करो। ऑफर एक इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर है, बरोबर। और जब कैश काउंटर वाला आपके गुड्स को पैक कर देता है, आपसे पैसा ले लेता है, मतलब वो एक्सेप्टेंस कर रहा है, इट इज एक्सेप्टेंस। तो देखो, जब आप
वो गुड से भरा हुआ ट्रॉली उसके सामने कर रहे हो, गुड से भरा हुआ ट्रॉली उसके सामने कर रहे हो, इट इज ऑफर, और वो गुड्स को स्कैन करके पैसा लेता है, इट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे हुआ, बाय वे ऑफ कंडक्ट। अब कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे शॉप में जाते हो जो कि एंटीक्स रखता है, ग्लास का सामान रखता है, कांच का, बहुत डेलिकेट सामान रखता है, ऐसा सामान जो थोड़ा सा नीचे टच होते ही टूट जाए या नीचे गिरते ही टूट जाए, वैसा कोई सामान की दुकान है, क्रॉकरी बोल दो, एंटीक्स का आइटम्स बोल दो, आर्ट गैलरी जैसा। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ शॉप वाले जो होते हैं ना, एक नोटिस लगा के रखते हैं, एक नोटिस लगा के रखते हैं, इफ ब्रोकन अज्यूम्ड टू बी सोल्ड, उन्होंने एक नोटिस दिया, डिक्लेरेशन दिया है, अगर आपसे टूट गया तो हम मान लेंगे कि आपने खरीद लिया, तो यहाँ पे अगर आप तोड़ देते हो तो आपकी हरकत की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी इन वर्ड्स, और इट कैन बी बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म, दस नो पर्टिकुलर फॉर्म इज नेसेसरी टू कंटिन्यू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट में देयर फोर बी मेड, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने देखे रखा है व्हाट कैन बी द वेरियस मोड्स, ये जनरल लिस्टिंग है, कोई और मोड भी हो सकता है, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, वो तुमको पता है। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स का इमीडिएट डिलीवरी हुआ तो भी ठीक, और देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। इमीडिएट डिलीवरी हो सकता है, फ्यूचर पेमेंट हो सकता है, इमीडिएट पेमेंट हो सकता है, फ्यूचर डिलीवरी भी हो सकता है। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स, इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट में हुआ तो भी ठीक। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड ऑन सम फ्यूचर डेट, तो भी चलेगा, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेलर और बायर डील कर सकते हैं। फिर व्हाट कैन बी दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, कोई जवाब देगा तो हैंड रेस करो और बताओ मुझे, व्हाट कैन बी दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्ट में, एनी वन, व्हाट कैन बी दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। आप मूवी देखने गए, आपने थिएटर वाले को पैसा दिया, उसने आपको टिकट दिया, तो आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको पैसा दे रहे हो, बदले में वो आपको मूवी दिखाएगा। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, मूवी। तो वैसे ही जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करते हो, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है, फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है, कंटिंजेंट गुड्स भी हो सकता है, स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स भी हो सकता है, अनअसर्टेन गुड्स भी हो सकता है, पर जो भी है होगा गुड्स जो कि मूवेबल नेचर का। फॉर डिटेल्स रेफर डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड इट्स टाइप। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, गुड्स जल रहा है। गुड्स जल रहा है, जल रहा है मतलब गुड्स क्या हो गया है, डिस्ट्रक्ट हो गया है, लॉस हो गया है, बरोबर ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जल जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहां पे दो पार्ट है, पहला इफेक्ट ऑफ गुड्स परिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले ही
अगर गुड्स पेरिश हो जाता है क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट बोलो। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स था वो खराब हो गया। वॉइडेबल। वॉइड, वॉइडेबल नहीं, वॉइड। सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है ना, इम्पॉसिबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है ना, तो गुड्स ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो गुड, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा। तो इफेक्ट ऑफ गुड्स परिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7 ले डाउन वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर have at the time of when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। मतलब goods पूरी तरह से या कुछ इस तरह से खराब हो गया कि contract को perform करने में आप उसको use नहीं कर सकते, बराबर। और seller को इस बात का knowledge नहीं है, क्योंकि अगर knowledge होगा तो contract करेगा क्या? नहीं, उसको knowledge नहीं है इसलिए contract कर रहा है। तो even though contract कर लिया, contract void है क्योंकि subject matter है ही। अब देखो यहाँ पे रेड कलर से क्या हाईलाइट किया है, द रूल कंटेंड इन दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक एंड और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ना सेलर को मालूम है गुड्स खराब हो गया है, ना बायर को मालूम है गुड्स खराब हो गया, तो बायलेटरल मिस्टेक हो गई ना। और बायलेटरल मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। और जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑल्सो बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, ए सोल्ड गुड्स टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ कॉर्न इन इंग्लैंड व्हाइल इट वॉज believed to be at sea, however later on it turned out that unknown to seller and before the contract of sale was made the corn has been badly damaged, that is that it was impossible to bring it to England and therefore it had been sold away by the captain of the ship at Tunis, held the sale was void। मतलब A ने B से agreement किया कि जो ship आने वाली है उसमें जो कॉर्न आने वाला है वो मैं तेरे को बेचता हूं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, वो शिप में जो कॉर्न था वो खराब हो गया है, और क्योंकि खराब हो गया है तो उसको कैप्टन ने उधर का उधर ही बेच दिया और ए को आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। और ये सिचुएशन क्या है? कुछ परिश हो गया कॉन्ट्रैक्ट के पहले। इज दैट क्लियर? केस है कुस्टरियर वर्सेस हेस्टी। नेक्स्ट क्या दिया है? गुड्स परिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। पहले क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले गुड्स खराब हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें होती हैं, सेल जहां पे इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल जहां पे लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है। पहले पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले ही गुड्स खराब हो गया, और दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है? सेल के पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद। मतलब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया लेकिन सेल होना बाकी है, ओनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है, उसके पहले ही गुड्स क्या हो गया? परिश हो गया, खराब हो गया। अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 ले डाउन वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर परिश और become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to buyer, the agreement is thereby avoided। मतलब agreement to sale हो गया पर अभी तक ownership transfer नहीं हुआ, sale नहीं हुआ है, लेकिन goods damage हो गया, और goods के damage होने में ना तो seller का कोई गलती है ना तो buyer को कोई गलती है, तो agreement को क्या किया जा सकता है? avoid किया जा सकता है। subject matter ही नहीं है तो by default वो avoid हो जाएगा, बरोबर। फिर द रूल कंटेन्ड इन दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल होगा क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा। ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक हॉर्स टू बी
बट द हॉर्स डाइड बिफोर द सेल वॉज कंप्लीटेड हेल्ड द एग्रीमेंट बिकेम वॉइड एल्पिक वर्सेस बैलनेस. फिर क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? टैग टैग दिख रहा है. किस चीज का टैग है ये? प्राइस. प्राइस और प्राइस के नीचे अमाउंट लिखा है क्या? नहीं. क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं व्हाटएवर उनका प्राइस किस तरह से फिक्स किया जाए, उनका प्राइस किस तरह से डिसाइड किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो देखो दिया क्या है इन्होंने हमें, वेरियस मोड्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. प्राइस पता करने के अलग अलग तरीके होते हैं बरोबर. उन अलग अलग तरीकों के बारे में असी बात करेंगे. क्या दिया देखो इन्होंने, सेक्शन 9 ले डाउन द फॉलोइंग थ्री मोड्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सेक्शन 9 बोलता है भाई देखो तीन तरीके हैं जिससे आप गुड्स के प्राइस को फिक्स कर सकते हो बरोबर. द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. कॉन्ट्रैक्ट करते हो तभी बात कर लो कितने में लेना है कितने में देना है, बात खत्म बरोबर. मेरे को घड़ी 10,000 में बेचना है तू खरीदेगा क्या? हाँ मैं खरीदूंगा. कॉन्ट्रैक्ट किया तभी प्राइस फिक्स हो गई, बात खत्म. मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. बी में क्या बोला है, अगर आप प्राइस फिक्स नहीं कर रहे हो तो आप वो तरीका लिख दो कि प्राइस कैसे फिक्स की जाए बरोबर. और सी में क्या बोला, इन कोर्स ऑफ डीलिंग पार्टीज आपस में प्राइस डिसाइड कर लेंगे. तीन तरीके, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम फिक्स कर लो, दूसरा आप डिसाइड कर लो प्राइस कैसे फिक्स होगा, तीसरा आप जो कोर्स ऑफ डीलिंग रहेगा तब प्राइस फिक्स कर लो. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई दीप मुझे मोबाइल 10,000 में बेचना है, आप खरीदोगे क्या? दीप ने बोला हाँ सर मैं खरीदूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम ही प्राइस फिक्स हो गया, पॉइंट है. मैंने दीप को बोला मुझे मोबाइल बेचना है तू खरीदेगा क्या? बोला हाँ सर खरीदूंगा. सर प्राइस क्या होगा? मैंने कहा प्राइस अपन साईराज को बोलेंगे, साईराज फिक्स करेगा प्राइस. मतलब प्राइस फिक्स करने का जो तरीका है हमने क्या बोला, वैल्यूएशन इज टू बी डन बाय साईराज, तो साईराज फिक्स करेगा. या फिर हम बोलते हैं कि भाई जिस दिन भी तू मोबाइल का पैसा लेके आएगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद अपन ऑनलाइन रेट देख लेंगे क्या है इस मोबाइल की, और जो ऑनलाइन रेट होगी बरोबर उसमें मैं 50% डिस्काउंट कर दूंगा और तू खरीद लेना. तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइस फिक्स करने का तरीका डिसाइड कर. तीसरे में क्या बोला, इन कोर्स ऑफ डीलिंग. तो मैंने बोला दीप आप मोबाइल खरीदोगे क्या? दीप ने बोला हाँ सर मैं खरीद लूंगा. कितने में? मैंने कहा आप आ जाओ पैसा वैसा लेके बरोबर 10-12 हज़ार रुपया ले आओ, अपन देख लेंगे सामने सामने बैठ के बात कर लेंगे. अभी तुमने हाँ बोल दिया तो मैं किसी और को नहीं बोलूंगा. तो जब हम डीलिंग करेंगे टेबल पे बैठेंगे तब हम बात कर लेंगे क्या प्राइस होनी चाहिए बरोबर. वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द अबव मोड. मतलब ऊपर तीन मोड है, तीनों में से किसी भी तरीके से हम प्राइस अगर डिसाइड नहीं कर पाए, The buyer shall pay the seller a reasonable price. Buyer seller को reasonable price देना चाहिए बरोबर. जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स नहीं की, हमने बोला कि ऑनलाइन जो रेट रहेगा 50% डिस्काउंट कर देंगे, ऑनलाइन रेट अवेलेबल नहीं हुआ तो हमने बोला तू आ जा अपन बैठ के बातचीत कर लेंगे. लेकिन जिस दिन वो आया उस दिन मैं सीधा उसको मोबाइल दे दिया, मैंने कहा भाई अर्जेंट है मेरे को जाने दे, अपन बाद में मिलते हैं देखेंगे क्या करें. लेकिन बाद में मेरी और उसकी मुलाकात ही नहीं हो पा रही किसी कारण से, मैं फ्री हूं तो वो नहीं है, वो है तो मैं नहीं हूं. तो ऐसे केस में सेलर को मुझे एक रीजनेबल प्राइस दे देना चाहिए. रीजनेबल प्राइस केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन जरूरी है. व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट व्हिच इज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, अगर आप डिसाइड करते हो कि भाई वैल्यूएशन के थ्रू
अपन गुड्स को बेचेंगे तो क्या होगा. सेक्शन 10 ले डाउन दैट वेयर द एग्रीमेंट इज टू सेल एट वैल्यूएशन द प्राइस शैल बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर. अगर आप वैल्यूएशन के थ्रू गुड्स बेचते हो तो उस केस में आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे उसके बारे में इन्होंने देख के रखा है. वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी. वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड सच पार्टी कैनॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड. अगर आपने मैंने और दीप ने डिसाइड किया कि सायराज प्राइस फिक्स करेगा, सायराज बोलता है नहीं भाई मैं फोगट नहीं हूं, मैं फिक्स फिक्स नहीं करने वाला हूं, तो यहां पे हम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारा वैल्यूएशन ही अवेलेबल है. हाउएवर इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज बीन डिलीवर्ड एट एनी एट डिलीवर्ड टू एंड अपोर्शनड बाय बायर ही शैल पे द रीजनेबल प्राइस देयर ऑफ. लेकिन ऐसा हुआ है कि मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं बायर को, बायर ने उन गुड्स को वापर लिया है, खुद के गुड्स के साथ मिक्स विक्स कर लिया है या किसी और को बेच दिया है, और बाद में वैल्यूअर बोलता है मैं प्राइस वाइज फिक्स नहीं करूंगा. तो यहाँ पे अभी क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बायर शुड पे दी रीजनेबल प्राइस. वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेज अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट. अभी सायराज प्राइस फिक्स करने को आया, बरोबर, तो मैं या शैलेश दोनों में से कोई भी नाटक करता है, कोई भी भाव खाता है और उसको प्राइस फिक्स करने नहीं देता, समझो मैं आनाकानी कर रहा हूँ प्राइस फिक्स करने से, तो उस केस में शैलेश मेरे पे केस कर सकता है और कंपनसेशन ले सकता है. समझो मैंने मोबाइल रखा है, सायराज को बोला है तू प्राइस फिक्स करने आना, और शैलेश को बोला जब प्राइस फिक्स होगी तब तू भी रहना, लेकिन शैलेश हमेशा नाटक करता है. हमारा डील यही है कि शैलेश और सायराज और मैं हम तीनों बैठेंगे और तभी सायराज प्राइस फिक्स करेगा, लेकिन ये नाटक कर रहा है, या फिर मोबाइल उसके पास है लेकिन प्राइस फिक्स करने के लिए लेके नहीं आ रहा है, तो उस केस में मैं बायर से यानी सायराज शैलेश से शैलेश दीप से रिकवरी कर सकता हूँ. अगर मैंने दीप को बोला है कि आप मोबाइल का प्राइस जब फिक्स होगा सायराज फिक्स करेगा तब आप आ जाना मोबाइल लेके, समझो वो नहीं लाता है या नाटक करता है, तो उसका डिफॉल्ट है, मैं रिकवर कर सकता हूँ. अगर मेरा डिफॉल्ट है तो वो सूट करके केस करके मेरे से रिकवरी कर सकता है, बरोबर. ये था हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1. तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 खत्म हो चुका है, बरोबर. तो यूनिट 1 में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, कोई डाउट है किसी को प्लीज बोलो. तनुष्का? नो सर. शैलेश? शैलेश? रोहन? रितु? नीरज? कल्याणी? अंतिमा? किसी को भी डाउट नहीं है ना? हर्ष? सर नो सर. चलो ठीक है, तो देखो अपना यूनिट 1 हो गया. हाँ कौन बोल रहा है? हर्ष बोलो. हर्ष डाउट है कुछ? सर तो अपना यूनिट 1 हो गया है, मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन भी लिया था, क्वेश्चन राउंड बाकी है, बरोबर. तो मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, 2 मिनट आप रिवाइज कर लो सब कुछ, फिर अपन क्वेश्चन राउंड लेंगे. इज दैट क्लियर? बरोबर.